बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई पिजन क्लब में खुश आमदीद कुरबान भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है ये कि मैं अभी जो है वो नए जोड़े जो मैंने बनाने थे आप लोगों के साथ में शेयर करना था, वो अभी मैंने बनाए हैं जोड़े और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जो हजरात मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन है उसे दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात यह है कि मैंने 6-7 जोड़े थे जो मैंने कैंसिल किए, तो उन्हीं के ही बच्चे मैंने लिए और जोड़ा वापस से बनाया, नर्मदा लिया वापस से जोड़ा बना रहा हूँ। और कुछ आपको बच्चे बीच में मैं शौक भी करवाया था कि इन्हीं के बच्चे लेके बेड पे जोड़े पे लगाऊंगा। तो आज जोड़ा जो है मैं बनाने वाला हूँ वो है 38 नंबर जोड़ा जिसके बच्चे मैंने लिए हैं और वो अभी सामने आपके ये जो दो कबूतर आप देख रहे हैं ये बैठे हैं, अभी इनका ओवरव्यू भी करवा दूंगा आपको खुले पिंजरे में। और ये दोनों नर मादा हैं, 38 नंबर जोड़े के बच्चे हैं, ये दोनों जवान हुए। नर आखिरी कल ही साफ कर रहे हैं और मादा माशाल्लाह फिर से पर साफ कर रही है। तो मेरे साथ बने रहे हैं, मैं इनके अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ देख के फिर से वापस से इसका जोड़ा लगाया और इसके माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही पैदार मतलब है नस्ल है माशाल्लाह, ये टेढ़ी नस्ल है और बहुत ही अच्छी है और इसके कबूतर बहुत अच्छे हैं। और अगर हम इसके पेयरअप करेंगे और मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह, मुझे बहुत ही फ़ायदा देते हैं, बहुत अच्छी परवास करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आइए, जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो मैं कबूतर का शौक़ भी करवाऊँगा और कुछ मालूमात भी दूँगा। तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो फुल आखिर तक वॉच कीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वो सामने बैठा है वो नर है, थोड़ा नर चीने टाइप में निकला हुआ है लेकिन अभी ये पर जब साफ करेगा दोबारा तो बिल्कुल अपने बाप पर जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें, ये मादा बैठी है, ये मादा बैठी है और बिल्कुल माशाल्लाह पूरी दस्ता पाक हुई हुई है, साफ़ हुई हुई है, मतलब है कि पूरे साफ कर लिए पर और माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। और ये इनका स्टैंड है माशाल्लाह, आप देखें स्टैंड में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इनका स्टैंड। तो इसके बाप का मैं आप लोगों को शौक करवा देता हूँ क्योंकि बाप मैंने छोटे केज में रखा हुआ है, मादा को मैंने अलग केज में डाल दिया जिसकी वजह से मादा का शौक नहीं करवा सकूँगा, लेकिन इनका मैं बाप का आपको शौक करवा देता हूँ कि बाप किस कलर का था। तो हाँ, ये फिर मैं आपको वो बाप का भी दिखा देता हूँ। तो ये जनाब इनका बाप है, आप देख सकते हैं ये नर है, यानी कि मादा मैंने अलग की हुई है और ये नर बैठा हुआ है और ये इनका बाप है। तो पहले मैंने सोचा था कि ये जो पट्टी है जवान हुई हुई है तो मैं इसके साथ लगाऊं, ले मैंने कहा नहीं यार दोनों को रेस्ट दे देते हैं ताकि फिर मैं आगे चल के इनका फिर से वापस से जोड़ा लगाऊंगा और फिर से इनके बच्चे लूँगा, तो इसलिए इसे छोड़ दिया मैंने और फिर इन्हें ले लिया। ये दोनों हैं माशाल्लाह। तो अभी आप लोगों को ये ओवरव्यू करवा रहा हूँ माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप स्टैंड में और माशाल्लाह पूरी माशाल्लाह फुल माशाल्लाह क्वालिटी के हैं, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो आइए मैं अभी इनका आपको साइज़ वगैरह पर वगैरह दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे साथ बन, तो जनाब ये दोनों जोड़ा है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो आप सबसे पहले तो इसका साइज़ देखें, ये पर मैंने बराबर पकड़े हुए देख सकते हैं आप, और ये साइज़ मैंने यहाँ से इसको मिलाया और ये साइज़ आपको मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इनका साइज़ है, ठीक है, ये पर मैंने यहाँ से ये देखें, ये यहाँ से मिलाया मैंने पर, ठीक है, और ये साइज़ है, ठीक है। अब मेल का, ये मेल है, मेरे हाथ में उल्टे हाथ में मेल है, सीधे हाथ में मादा है। तो जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये यहाँ से पर मिलाया मैंने और ये तकरीबन इतना छोटा है, यानी कि इतनी छोटी है मादा। तो ये हम
इस तरह मतलब है पेयर अप करना हमें चाहिए। अगर हम दोनों के ही मतलब है दोनों को हम एक ही साइज़ में ले लेंगे या लंबे साइज़ में या छोटे साइज़ में तो हमें बच्चे अच्छे नहीं मिलते। तो इस तरह अभी मैं एक को छोड़ दूं तो आपको दूसरे का मैं आपको अभी शौक भी करवा देता हूं और पॉइंट्स भी दे देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी आँख का आपको व्यू करवाऊँ। तो ये है इसकी आँख, ठीक है, ये इसकी आँख है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे धूप में लूँ तो इसका जो तिल के ऊपर नूर के ऊपर का रिंग वो आपको वाजिया हो जाएगा, ये इतना बारीक होगा इसका रिंग अगर धूप पे लूँ, लेकिन धूप अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं। चमक भी देखें आप, पानी भी देखें आँख में, और बिल्कुल ये। तो इसी तरह दूसरे साइड से भी आप आँख का शौक करें। ये है आँख, ठीक है, ये मैं आपको मेल की आँख दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। और ये मकोड़ी अदरक लेके आप इसे 5 दिन दें और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख रही है, ये सूख गई है बिल्कुल। और ये पर है, ये पर है, ठीक है। अभी इसकी ये 10वीं कली बाकी है साफ करनी इसने, इसलिए मैं आखिर के पर आपको वाजह नहीं करवा सकूँगा क्योंकि इसके आखिर के 9वां 10वां पर बराबर है, 8वां नीचे की तरफ है। तो इस तरह इसके बाप का है और ये इसके बगल के पर हैं और ये इसके साइड के पर, परवाजी पर और आखिर के पर, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरी साइड की पर देखें आप, ये ठीक है, ये पर है। और ये एक पत्ते की टेल है, देखें एक पत्ते की टेल है, अभी दुम इसकी मुकम्मल नहीं है, आप देखें इसकी बिल्कुल एक पत्ते की टेल है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, जितनी कबूतर और ये पंजे हैं, ठीक है। और ये आपको मैं 38 दिखा रहा हूँ, ये देखें ये 38 नंबर, जितना कबूतर सामने से चौड़ा होगा, जितना कबूतर सामने से चौड़ा और पीछे से बंद उतना ही अच्छा होगा कबूतर, उतना ही अच्छा होता है। तो ये पीछे से बंद है बिल्कुल, आप समझ लें इसकी ये टेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक पत्ते की टेल है। तो ये नर का मैंने आप लोगों को शौक करवा दिया, ठीक है। ये जनाब फीमेल है और ये फीमेल की आप आँख देखें, ये फीमेल की आँख है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी साइड की भी आँख का आप शौक करें, ये दूसरी साइड की आँख है, ठीक हो गया, समझ लिया आपने। तो ये पर अभी इसने साफ करने हैं, तो ये इसके पर अभी साफ होने हैं, इसने पूरे पर अभी मतलब कुलिस में है कबूतर, ऐसे समझ लें आप। तो कुलिस की वजह से आपको पर का वाजिया मैं नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन इसकी कली जो है नामी ऊपर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। और ये पर है और ये दूसरी साइड का पर है, ठीक है। इसकी टेल जो है तकरीबन बंद टेल है, लेकिन ये डिस्टर्ब की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रही है, नहीं तो टेल इसकी भी बंद है। ये बहुत फुर्तीन कबूतरी है, ये पंजे और रिंग भी आपको वाजिया करवा दूँ, ये आप देख लें 38 नंबर, ठीक है ना, ये 38 नंबर आपको वाजिया होगी। तो ये दोनों एक ही जोड़े के पट्ठा पट्ठी है, ठीक है। पंजे आपको दिखा दिए, कलर भी आपको दिखा दिया, बड़ी फुर्तीन है, हाथ में रुकती नहीं है, बोलती है मुझे छोड़ दो। तो
अभी आपने देखा, मैंने आप लोगों को ओवरव्यू भी करवा दिया, कुछ पॉइंट्स भी दे दिए जोड़े के हवाले से, कैसे जोड़ा होता है, लगाना चाहिए हमें। और माशाल्लाह कलर भी देखें आप, स्टैंड देखें। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए जोड़े के साथ इंशाल्लाह। अभी मैंने जोड़े बनाने हैं इंशाल्लाह बच्चों के, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।